हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कंप्लीट स्क्वायरी शेप बनाती हुई नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं, और लेंथ वाइज इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर दोनों की लंबाई लगभग एक समान नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ करके, यहां पर आप देख सकते हैं यह इनकी सूर्य फिंगर है और यह इनकी बृहस्पति फिंगर है। दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी क्रिएटिविटी को। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, आर्टिस्टिक बनाता है, और बृहस्पति फिंगर अच्छी लेंथ में हो और सूर्य फिंगर के अगर इक्वल हो तो ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफी अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं, और ऐसे नेटिव को फैमिली की तरफ से अच्छा सुख मिलता है। और अगर बृहस्पति माउंट भी अच्छा हो तो व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहता है। तो यहाँ पर ये सभी क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी क्योंकि सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है, जिस वजह से इनका सोशल सर्कल काफी अच्छा रहेगा। यह जो फिंगर है, अगर जो शनि फिंगर का टॉप फैलेंज इसके हाफ तक पहुंच जाती है तो ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं, धन के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों, और कई बार अपने धन को शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में ऐसी जगहों पर लगा देते हैं, इसकी वजह से कई बार इनको लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और ओवरऑल एक एडवेंचरस टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई ठीक हो। और अगर इनकी शनि फिंगर को देखा जाए तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, यह फिंगर अगर स्ट्रेट होती है तो ऐसे नेटिव काफी मेहनती होते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ डिसिप्लिन फॉलो करने वाले होते हैं। तो इस तरह की जो नेचर है व्यक्ति की रहती है और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस भी पा लेते हैं। और अगर देखा जाए इनकी बृहस्पति फिंगर को तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, इसकी वजह से एक टीम को मैनेज करना इनको काफी अच्छी तरह से आता, बखूबी आता होता है, और दूसरों से किस तरह से काम करवाना है ऐसी क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर बहुत अच्छी रहती हैं। और अगर इनकी मर्करी फिंगर को देखा जाए तो मर्करी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी वीक हो रही है, आपको दिखाना चाहूंगा साइज और सेटिंग इस फिंगर की। यहाँ पर मर्करी फिंगर जो है थोड़ी सी लो सेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो यह जो लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यह है सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, उसे थोड़ा सा नीचे रह रही है, थोड़ा सा लो सेट है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे लेकिन साथ ही साथ थोड़ी शाई टाइप की नेचर भी ऐसे नेटिव की हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर इसको हम कहते हैं। ओवरऑल फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है, आप देख सकते हैं इनके जो फिंगर्स के बेस फैलेंजेस हैं यह एरिया काफी थिक है, जिसकी वजह से एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी रहेगी इनकी। और उसी के साथ साथ फिंगर्स के इन पोर्शंस पे अगर आपको खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं तो यह दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति मिलनसार नेचर के भी होते हैं और दूसरों से बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। तो यहां तक हमने इनको फिंगर को एनालाइज किया, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके माउंट्स और रेखाओं को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक रेखा ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बन रही है जो फिंगर्स की सेटिंग को हमें यहां पर दिखाएगी, कुछ इस तरह की एक रेखा, जिसमें आप देख सकते हैं यह जो माउंट है थोड़ा सा लो सेट है, और इनका सूर्य माउंट, यह सूर्य माउंट है, यह शनि माउंट है और यह गुरु माउंट है, तीनों के तीनों हाई सेट हैं। और इस माउंट का लो सेट होना व्यक्ति को कई बार बिजनेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी शाई नेचर भी देता है इस माउंट का लो सेट होना। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह माउंट उभरा हुआ भी है, आप देख सकते हैं यह जो पोर्शन है अंदर की तरफ दबा हुआ नहीं है, ऊपर की तरफ उठा हुआ पोर्शन है और इसके ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं, और इवन यहां पर एक मर्करी लाइन,
ये सभी लाइंस होने की वजह से व्यक्ति काफी अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर बिजनेस करने की कैपेबिलिटी को प्रॉमिस कर रही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इस माउंट का लो सेट होना और फिंगर का थोड़ा सा साइज में शॉर्ट होना थोड़ी सी वीकनेस भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। अगर मरकरी रेखा को यहाँ पर चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बनाने में ये हेल्प कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर यहाँ पर एक काफी स्मूथ लाइन, यह जो लाइन है मरकरी लाइन है जो यहां तक पहुंच रही है, यह नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली जो रेखा है इसको कहा जाता है भाग्य रेखा, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है माइंड लाइन। इन तीनों की मदद से यह जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है इसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। मनी ट्रायंगल यहाँ पर काफी अच्छा बन रहा है। मनी ट्रायंगल का होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा एक कंप्लीट ट्रायंगल बनता है, ऐसे नेटिव अपनी मेहनत से लाइफ में काफी अच्छा धन इकट्ठा करते हैं और इनकी लाइफ स्मूथ रहती है। लेकिन फिर भी कुछ अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं लाइफ में, वो डिपेंड करेगा स्ट्रेस लाइन से और भाग्य रेखा की स्ट्रेंथ से, जिसको हम आगे चलकर स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, जिनके भी हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल होता है ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफी ज्यादा धनवान बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके इनकी जो सूर्य माउंट है उसकी पोजीशन को, उसके बाद शनि माउंट यानी कि भाग्य रेखा को भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो अगर हम सूर्य माउंट की बात करें तो सूर्य माउंट हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है यह एरिया, और सूर्य रेखा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ कट रही है कुछ रेखाओं से, जो यहाँ पर फेम मिलने में दिक्कतों को इंडिकेट करती है। सूर्य रेखा अगर एक लंबी सूर्य रेखा हाथ में मौजूद हो, जिस तरह से यहां से एक लंबी सूर्य रेखा ऐसी जिस तरह से इनकी भाग्य रेखा मौजूद है, या इनकी जो मरकरी लाइन है इस तरह की एक लंबी सूर्य रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति को बहुत फेम दिलवाती है। तो यहाँ पर फेम तो रहेगा, लेकिन यह फेम जो है इनकी सूर्य रेखा इंडिकेट कर रही है कि लेटर एज में मिलेगा, क्योंकि हार्ट लाइन जो है इसके ऊपर से ही यह रेखा शुरू हो रही है। तो ऐसे नेटिव का सोशल सर्कल तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो फेम होता है वो लेटर स्टेज में चलकर ही मिल पाता है। आगे आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट है, शनि माउंट का एरिया यहाँ पर फ्लैट है, ना ही बहुत ज्यादा उठा हुआ ना ही बहुत ज्यादा दबता हुआ, जो एक अच्छी चीज है, और एक अच्छी शनि रेखा मौजूद है। लेकिन शनि रेखा थोड़ी सी वीक पड़ रही है यहाँ पर मिडल में आकर, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ऑन एंड ऑफ दिक्कतें भी धन से रिलेटेड इनको लाइफ में आ सकती हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ करकर, अगर इस रेखा को आप यहां तक देखते हैं तो काफी डीप कट है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो यह रेखा थोड़ी सी वीक हो रही है, जो लगभग 34 और 35 के आसपास की एज से हो रही है, जिस वजह से लाइफ में धन से संबंधित दिक्कतें इनको आ सकती हैं। और जब भी भाग्य रेखा को कोई रेखा टच करे या क्रॉस करे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा टच कर रही है, लगभग या 38 की एज रहेगी, इस एज तक कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, उसके बाद की जो रेखा है वो काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट कर रही है, लेकिन एक अच्छी और लंबी भाग्य रेखा का होना, जो यहाँ से शुरू हो रही है इनकी भाग्य रेखा और लगभग यहाँ तक पहुंच रही है, इस तरह की लंबी भाग्य रेखा का होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बाकी के माउंट्स को भी एक बार एनालाइज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो माउंट ऑफ जुपिटर है, गुरु माउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं होने से ऐसे नेटिव लाइफ में काफी तरक्की करते हैं, और थ्रू आउट द लाइफ जो प्रोग्रेस है वो चलती रहती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी कुछ इस तरह की, ऐसी रेखा अगर कंप्लीट इस तरह से अर्ध चंद्रमा बना दे तो और भी अच्छे चिन्ह माने जाते हैं, कुछ इस तरह की अगर रेखा यहाँ पर मौजूद हो। लेकिन अगर यह एक तिरछी रेखा में नजर आती है कुछ इस तरह की, तो यह भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ऐसे नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं मिडिल एज के बाद, लगभग 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होता है। और उसी के साथ साथ यह रेखा होने से व्यक्ति दान धर्म करने वाला होता है और अपनी परंपराओं को मानने वाला होता है, कुछ इस तरह की चीजें आती है। और साथ ही साथ यह रेखा जिसको हम गुरु वलय भी कहते हैं, अगर यह कंप्लीट हो तो व्यक्ति को बहुत सारी प्रतिष्ठा मिलती है समाज में, और खास तौर पर अगर देखा जाए तो 50 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा प्रतिष्ठित होता है, समाज में मान सम्मान भी पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी हार्ट लाइन को। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, और एक वी सिंबल यहाँ पर काफी क्लियरली बनता हुआ,
जिसको हम विष्णु चिन्ह भी कहते हैं, इस तरह का चिन्ह अगर किसी नेटिव के हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि यह चिन्ह प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है और ऐसे व्यक्ति की प्रोग्रेस लाइफ में डेफिनेटली होती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति किसी गलत तरीके से या शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करता है तो व्यक्ति को लाइफ में काफी नुकसान झेलने पड़ते हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है। तो कुछ इस तरह के प्रभाव इस विष्णु चिन्ह के रहते हैं। और अगर इनकी हार्टलाइन को देखा जाए तो थोड़ी सी हल्की ब्रांचेस नीचे की तरफ चलती है और थोड़ी शैलो होती हुई यह रेखा, जो इंडिकेट करती है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें इनको ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स आगे चलकर होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यह रेखा अगर बारीक हो और डीप कट हो तभी एक अच्छी हेल्थ दे पाती है हार्ट की। और अगर इस रेखा में कुछ दिक्कतें आए, जब यह रेखा काफी चौड़ी हो जाए तो व्यक्ति को उस बॉडी पार्ट से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहने की संभावना भी रहती है। आगे देख सकते हैं आप इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है, एक लंबी माइंड की लाइन थोड़ी सी झुकी हुई आगे से, जो इंडिकेट करती है ओवर इमेजिनेशंस को, और आगे चलकर एक हल्का बाइफोर का चिन्ह बनाती है। इस तरह का चिन्ह इस रेखा में बनना व्यक्ति को शार्प माइंड देता है। ऐसे व्यक्ति की बिजनेस करने की क्षमता बढ़ जाती है जब यह रेखा आगे से दो मुही हो, तो यहाँ पर इस चीज का भी इनको बेनिफिट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ की लाइन को अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी लेंथ में यह लाइफ लाइन इनकी नजर आ रही है, जो लगभग यहाँ पर 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। इस तरह की एक लंबी लाइफ लाइन का होना। और अगर इनके शुक्र माउंट को देखा जाए तो काफी सारी डीप कट रेखाएं इनके शुक्र माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं, जो यहाँ पर फैमिली से जुड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। मैरिड लाइफ में दिक्कतें ऐसे व्यक्ति के आ सकती हैं जिनके हाथ पर ऐसी सारी काफी सारी रेखाएं हों, खास तौर पर कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहते हैं, अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे नेटिव को जिनके शुक्र माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं मौजूद हों। चंद्र माउंट की बात की जाए तो चंद्र माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाएं जो ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं, ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति लाइफ में काफी ट्रैवलिंग करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं जिनके हाथ पर चंद्र माउंट पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।